नहीं यार, कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ बॉलीवुड। मैंने कभी देखा नहीं था ऐसे सुपर स्टारों को, तो मैं पहली बार देखा था, तो इसलिए मैं सोचा कि एक क्लिक फोटो ले लूँ, बट उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। अब देख लीजिए इनके, अगर ऐसे कभी मुझे मारा नहीं था, बट ये देख लीजिए जो पैदा करता है वो नहीं मारता है, लेकिन एक सेलिब्रिटी जिसको एक फैन मानते हैं, भगवान मानते हैं, उनको एक तमाचा दर्द क्या लगता है। वो बहुत अच्छे इंसान है, बट वो बस खाली मूवी में ही अच्छे हैं, बट रियली में नहीं, बहुत ही कुछ खतरनाक इंसान है वो। खतरनाक इंसान है कैसे? नाना पाटेकर का, जैसे कि मेरे पापा भी बहुत मूवी देखते थे और उनका डायलॉग ऐसे चाटा मारते हैं और फिर बताते हैं कि वो मेरे ग्रुप का आदमी था, ऐसा क्या है, कितनी सच्चाई है? नहीं नहीं, कोई ग्रुप का आदमी नहीं था, मैं वो तो मुझे जानते भी नहीं थे, और मुझे डायरेक्ट मैंने क्लिक फोटो लेने गया तो वो मुझे मारे और मार के मुझे बॉडीगार्ड मुझे नटई पकड़ के मेरा ढकेल के भगा दिया। मारने के बाद मेरा बच्चा माफ कर दिया, यही सोचिए कि कितनी बड़ी उनको नाना पाटेकर तो कर रहा हूं गागा, हम थप्पड़ मार कर रहे हैं। देखिए कितने गुस्से में है, किसी इस चेहरे को गौर से पहचान लीजिए, वही चेहरा है जो अपने चाहने वाले के लिए जान देने के लिए तैयार था, लेकिन जब जान देने के लिए बात आती है, वो जान नहीं सिर्फ एक सेल्फी लेना चाहता था, लेकिन वो सेल्फी इसके सर का घाव बन गया। ये कभी नहीं सोचा था कि कभी क्या होता है कि मेरे सर का वो घाव बन जाएगा। कोई जब सेलिब्रिटी आता है इस बनारस में तो अपने आप को बताता है कि मैं उस नगर में आया हूँ जहाँ से सभी लोग जाते हैं, हर जगह तो लोग जाते हैं जीने की आस में, लेकिन ये बनारस एक ऐसा जगह है लोग मरने की आस में आते हैं, और अपने आप को कहते हैं कि मैं काशी में आकर अगर मर जाऊँगा तो धन्य हो जाऊँगा। लेकिन एक फिल्म के दौरान शूटिंग होती है, वही बच्चा है जो जाता है और नाना पाटेकर से सेल्फी लेता है, और सेल्फी लेने के दौरान इस तरह इनको तमाचा मारा जाता है कि जिंदगी भर तमाचे को भूल नहीं पाएगा। जानने का प्रयास करते हैं कि पूरा मामला रहा क्या, वहां का दृश्य क्या था और वजह क्या था कि इनको थप्पड़ जड़े नाना पाटेकर जी। पहले तो स्वागत है आपका। मेरा नाम राज सोनकर है, मैं ममूरगंज तुलसीपुर में रहता हूँ, बीरदपुर के साइड। अब बनारस से है और बनारस बताते हैं लोग कि देव का देव महादेव का नगरी है, और इनका गमछा भी देख लीजिए, वही लुक है जिस तरह से देखा जाए, पूरे लुक में खड़े हैं, और बाकी लोग इनके चहेते हैं जो इनके साथ हमेशा रहा करते हैं। अगर बात कर लिया जाए, क्या समझ के आप सेल्फी लेने के लिए चले गए? मैं यही समझ के सेल्फी लेने गया था कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ बॉलीवुड। मैंने कभी देखा नहीं था ऐसे सुपर स्टारों को, तो मैं पहली बार देखा था, तो इसलिए मैं सोचा कि एक क्लिक फोटो ले लूं, बट उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। अब देख लीजिए इनके चेहरे पे, इनके हाव भाव से देख, आंखों में आंसू तल आ रहे हैं कि क्या बताऊं। एक माँ बाप को लोग अपने माँ बाप के साथ कभी सेल्फी नहीं लिए होंगे, हमें तो लगता है कि नहीं नहीं, सेल्फी मैं कभी एक बार बस खाली पापा के साथ मम्मी के साथ किया। अब बताइए उसके बाद आप क्या होता है अपने चाहने वाले के पास चले गए? हाँ, बट मेरे पापा वगैरह ऐसे कभी मुझे मारा नहीं था, बट ये देख लीजिए जो पैदा करता है वो नहीं मारता है, लेकिन एक सेलिब्रिटी जिसको एक फैन मानते हैं, भगवान मानते हैं, उनको एक तमाचा दर्द क्या लगता था। आपने कौन सा गुनाह कर दिया कि जो तमाचा जड़ने की बात आ गई? मेरी तो कोई गलती नहीं थी, बस मेरी यही गलती थी कि उनके सामने मैं सोचा कि वो बहुत अच्छे इंसान है, बट वो बस खाली मूवी में ही अच्छे हैं, बट रियली में नहीं, बहुत ही कुछ खतरनाक इंसान है वो। खतरनाक इंसान है, कैसे कहेंगे? वो रियली में कि बाउंसर वगैरह को भी डांट देते थे और भगा देते थे, जैसे कि पब्लिक प्लेस में जैसे लोग आते जाते थे तो हटा बटा देते थे, कहते थे चल जा यहाँ से, हट जा पहले, मेरे को बना लेने दे। अच्छा अच्छा, हाँ ऐसा बोलते थे। हाँ। अच्छा, ये कहाँ से फैन होने लगे? आपकी उम्र बहुत कम है नाना पाटेकर, अब तो मरने वाले हैं, कहाँ से फैन होने लगे उनके? नाना पाटेकर का, जैसे कि मेरे पापा भी बहुत मूवी देखते थे और उनका डायलॉग वगैरह मुझे बहुत पसंद था। एक आध डायलॉग याद है? एक बार बोली दीजिए, वो भी समझ जाए कि नहीं, ये नाना पाटेकर का वाकई मतलब है फैन। कोई डायलॉग याद है तो बोल दीजिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। एक मच्छर बताइए बनाए ना, आप नहीं रुकिए ना, ये मुझे फांसी पे लटका देंगे अब तो। आ गए मेरे मौत का तमाशा देखने हैं, और मुझे फांसी पे लटका दिया जाएगा, मेरी आंखें बाहर आ जाएगी, जुमाने बाहर आ जाएंगी, और ये सब जाएंगे घर पे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे। अब देख लीजिए, ये जबड़ा वाला फैन है, अगर इनकी बात कर लिया जाए तो जबड़ा वाला फैन है। वो कहते तो हैं कि मौत पे तमाशा देखने आ गए, लेकिन जिंदा तमाशा जब ये नहीं देखने दे रहे हैं तो मौत पे क्या तमाशा देखने देंगे?
आपको क्या लगता है जो जिंदा व्यक्ति आपका तमाशा नहीं देख पा रहा है तो मौत पे देखने देगा ये कभी? ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर बात कर लिया जाए जिस हिसाब से आप गए थे सेल्फी लेने जाते हैं, सेल्फी के दौरान ऐसे चाटा मारते हैं और फिर बताते हैं कि वो मेरे ग्रुप का आदमी था, ऐसा क्या है, कितनी सच्चाई है? नहीं नहीं, कोई ग्रुप का आदमी नहीं था, मैं वो तो मुझे जानते भी नहीं थे और मुझे डायरेक्ट मैंने क्लिक फोटो लेने गया तो वो मुझे मारे और मार के मुझे बॉडी गार्ड मुझे नटई पकड़ के मेरा ढकेल के भगा दिया गया। अच्छा, गर्दन पे भी मतलब इस तरह से किया? गर्दन पे ढकेल के मुझे भगा दिया गया। फिर उसके बाद एक बॉडी गार्ड था ब्लैक कलर का पहना था ड्रेस में, तो वो भी मुझे भगा दिया। फिर कहा चल जाए, वीडियो में दिखाया गया, आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको कब लगा कि मेरा बहुत काफी तेज वीडियो वायरल हो गया है, मैं ही हूँ, कैसे पता चला? ये मुझे गया था, मैं अचानक फोटो खींचने गया था तो ये वीडियो पता नहीं कौन बनाया, मुझे पता नहीं था, बट मेरे भैया मेरे घर के बगल में वो मुझे पहचान लिए, कहे ये तू ही है ना। फिर दो तीन लोग थे तो मेरे। अच्छा, मैं कैसे सेल्फी लें, थोड़ा सा मोबाइलवा है जो सेल्फी लेने जा रहे थे आप, उसमें कुछ मोबाइलवा में है आपके? हाँ, मोबाइल में तो है। कैसे गए थे आप सेल्फी लेने, थोड़ा सा दिखाइए किस पोज में गए थे आप सेल्फी लेने के लिए? हाँ, देख सकते हैं। मोबाइल कहाँ है, मोबाइल आपकी कहाँ है? ये वही मोबाइल है जिस मोबाइल से बंदा जाता है और सेल्फी लेने के लिए पहुँचता है लेकिन सेल्फी नहीं ले पाता है और चाटा खाकर चला आता है। आप एक इनकी कॉलोनी है, चारों तरफ आप देख सकते हैं कॉलोनी के लोग खड़े हुए हैं और आज तमाशा बन के रह गए। ऐसे सेलिब्रिटी को आप क्या कहिएगा, क्या तमाशा बनने के लिए बनारस रह गया है? बनारस लोग कहते हैं कि देव का देव महादेव की नगरी है, महादेव की नगरी में ऐसे भक्त का तमाशा हो रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसे क्या था, थोड़ा सा पोज दिखा दीजिए एक बार। फिल्में शूटिंग हो रहा है, आप फिल्में शूटिंग में गए थे ना? हाँ, फिल्म मैं ऐसे आया, ऐसे देखता रहा कि अब जाऊँ। मतलब मौका की तलाश में थे आप? मैं मौका की तलाश में था कि अब मैं जाऊँ, अब मैं जाऊँ। अब बॉडीगार्ड वगैरह थोड़ा सा हट गए थे तो मैं मौका देखा, फिर ऐसे करके गया फोटो लेने। फिर इसने मेरे ऐसा चाटा मारा था, मुझे भगा दिया गया। अच्छा, मतलब चाटा तुरंत मार दिया, कुछ कहे नहीं? नहीं नहीं, तुरंत। वो तो बता रहे कि पीछे से बोल रहा है कि बूढ़ा टोपी ऐसे कर, आप कुछ ऐसा बोले थे कि नहीं? अरे मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया गया, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। हाँ, मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। मैंने बोला सर सर बस एक क्लिक फोटो चाहिए था। हाँ, उनको दो सेकंड भी नहीं लगता, उस समय कुछ स्टार्ट भी नहीं हुआ था शूटिंग वगैरह। अब क्या, अब नाना पाटेकर को देखना चाहते हैं या फिर उनके फिल्म का बहिष्कार करेंगे या फिर उनका फैन फिल्म बनेंगे या फिर खत्म कर देंगे उनको आप? अब क्या, जो मार दिए तो क्या बनेंगे उनके? अरे माफी मांग रहे थे भाई। अरे माफी मांग रहे थे तो वो माफ तो माफ कर दिए कि नहीं आप? हाँ, माफ कर दिए। देख लीजिए, इतना चाटा खाने के बाद भी शर्म आनी चाहिए आपको, कितना चाटा खाने के बाद भी इनसे सीख लेना चाहिए। लोग कहते हैं कि बच्चा जानता क्या, इनसे सीख लीजिए। आप बहुत बड़े महापुरुष अपने आप को कहते हैं तो इनसे सीख लीजिए कि बनारस जैसे लोग यहीं पे, लोग कहते हैं ना कि यही वो नगरी है जहाँ क्षमा के पात्र होते हैं। आप लाख गुना करके आएंगे गंगा जल में, जैसे ही अपने आपको स्नान करेंगे पाप धुल जाएगा। तो अब पाप धुल गया उनका? अब उनका पाप धुला कि नहीं वो पर भगवान जाने, मैं तो माफ़ कर दिया उनको। माफ़ कर दिए? देख रहे हैं बेचारा कितना बिस्तरस्त है। अब क्या फैन ऐसे लोग कभी बनेंगे? अच्छा, कोई और सेलिब्रिटी आएगा तो जाएंगे कभी सेल्फी लेने? अब कोई सेलिब्रिटी में मैं भरोसा नहीं कर सकता। मेरे साथ जो हुआ भगवान के दिन से वो किसी के साथ ना हो। अब देख रहे हैं बेचारा किसी के साथ क्या कहना चाहेंगे। लड़का बड़ा वायरल हो रहा है जिस तरह से नाना पाटेकर चाटा मार दिए, मारना चाहिए? नहीं, मारना तो नहीं चाहिए, प्रेम से उनको दे देना चाहिए। अरे फोटो ये ना लेता कि उनका जान थोड़ी लेने गया था। फिर रहा चाटा मारने के बाद मेरा बच्चा माफ कर दिया, यही सोचिए कि कितनी बड़ी उनको उपलब्धि दे दिया। बनारस माफी के काबिल नहीं है? एकदम नहीं, बनारस के लोग इतने सुंदर होते हैं, काशीवासी हम लोग शूटिंग करने देते हैं लेकिन शांत से, हल्ला से नहीं। आप मेरे पसंद आ गए, हम आपसे एक सेल्फी मांगे तो आपने चाटा मारा। क्यों कि आप आए हैं बॉम्बे से, हम लोगों ने आपको देखा नहीं, पास से देखा तो इच्छा किया कि हम एक सेल्फी। अरे तो आप ही जैसे लोग तो उनको सेलिब्रिटी बनाए ना, अपने से बन गए क्या? अगर लोग फिल्म देखना बंद कर दे तो क्या लगता है कि जिंदगी नाना पाटेकर बनते? फिल्म की शूटिंग नहीं होगी, फिल्म नहीं बनेगी, जनता नहीं रहेगी, जनता नहीं देखेगी। हम लोग के वजह से तो फिल्म स्टार है। बिल्कुल, अगर हम लोग नहीं देखेंगे तो वो कौन है? अच्छा, इस बच्चे का क्या दोस्त था? इस बच्चे का क्या, यही दोस्त था ना कि मेरा भतीजा है वो? अच्छा, आपका भतीजा है? यही बस था ना कि जाके वो सेल्फी ले रहा था? हाँ, ये गलत किया ना नाना पाटेकर। अच्छा, क्या होना चाहिए नाना पाटेकर? तो कर रहा हूँ, हम थप्पड़ मार कर रहे हैं। देखिए कितने गुस्से में है, किसी घर के बेटे को अगर ऐसा होता है थप्पड़, उसको भी तो पता चलना चाहिए ना।
बिल्कुल बिल्कुल, बाद में क्षमा भी मांगे हैं माता जी। वो भी तुम बच्चे को मार रहे हो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मच्छर आदमी को मार देता है तो हम यहाँ शैतान को भी मारते हैं। कहते हैं एक मच्छर। अच्छा याद है आपको सारी चीजें? हाँ सब बातें याद है। डलागुनी का है। क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चा को क्या समझे मच्छर? मच्छर से बड़ा यहाँ पे हम है। मन करेगा थप्पड़िया के भगा देंगे बम्बैया। देख लीजिए बनारस में भी बम्बैया भाषा बोला जाता है, ऐसा नहीं है? है कि नहीं माता जी? क्यों नहीं है? समझे कि मैं मुंबई वाला ही हाथ दिखा दूं, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये बनारस है। बनारसी हाथ भी समझ में आ जाएगा ना जब उदिया जाएंगे हम लोग। तो देख रहे हैं बनारस के लोगों में आक्रोशित है, जिस तरह से बच्चे पे इन्होंने प्रहार किया है। प्रहार करके अच्छा नहीं किया। क्या चाचा जी अच्छा किया है? वो अच्छा कहाँ से किएंगे? बहुत गलत किए। ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। एक फोटो ही ले रहा था ना? हाँ, सेल्फियन ले रहा था। फोटो कौन सा गुनाह कर रहा था? कोई गुनाह नहीं कर रहा था। चलिए चलते चलते आप जिस तरह से बच्चे को देख रहे हैं, कहाँ गया वो? आ जाओ भाई, आप थे वहाँ पे? जी हम वहाँ पे नहीं थे। यही बच्चा है ना? बच्चा यही है। आ जाओ बाबू थोड़ा सा, बस दो मिनट, बस एक मिनट, एक मिनट और, एक मिनट आ जाओ। देखो ये आपके आंटी हैं, कह रहे हैं कि मतलब जो भी हैं बुआ जी कह रहे हैं कि क्या होता है ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तो चारों तरफ मोहल्ले में शोर हो गया है कि लड़का को चाटा मार दिया गया। वो तो है, मेरी बेइज्जती तो हो रही है यहाँ। अगर मिलने के लिए आएंगे तो मिलेंगे कि नहीं? नहीं रे, फेमस हो रहा है। सेल्फी मांगने मत जाओ, डट के मुकाबला करो। शूटिंग पैकअप रहे, इधर से शूटिंग नहीं होने का। देख लीजिए सही चाल, इधर से बाजू हटने का। देख लीजिए मुंबई रही है आप लग रहा है। हाँ मुंबई मेरा पूरा खानदान रहता है। अब देख लीजिए अब जिस तरह से इनकी बुआ है बता रही है, क्या चलते चलते नाना पाटेकर को संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे, वो आएंगे तो एक बार मैं फिर मिलूंगा जरूर। फिर मिलूंगा, फिर वही काम आएंगे तो उनसे एक बार जरूर बात करूंगा। मेरे साथ क्यों ऐसा किया आपने? अच्छा मतलब ये सवाल रखेंगे? अगर क्वेश्चन कहेंगे कि अगर माफ कर दो बेटा तो क्या कहेंगे? माफ कर दो तो माफ कर ही देंगे, सुपरस्टार बनारसी है आप ना। बनारसी लोग दिल में बहुत बड़ा होता है, जिस तरह से लोग बताते हैं कि दो का देव महादेव की नगर है, महादेव का दिल बहुत बड़ा होता है कि नहीं? चलिए बड़ा अच्छा लगा, लेकिन हाँ कमेंट करके बताइए। वासी हैं, हर हर महादेव के पुण्य जीत है। बड़ा अच्छा लगा, और इनसे भी मैं चाहूंगा कि अब दोबारा आप सेल्फी मत लीजिएगा। आपसे बड़ा कौन सेलिब्रिटी है महाराज? आप खुद हीरो हैं। हम हीरो हैं। चलिए मित्रों कमेंट करके बताइएगा कि क्या लगा इनके बातों से, और आप लोग कितना सहमत हैं। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।